अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना वान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है न्यूट्रोजिना की प्रोडक्ट और लाइक बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट मैं कहूँगी इनको। मैंने जो ट्राई किया मेरे लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट रही है। लाइक जो अभी तक फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेकअप रिमूवर मैं आपके साथ न्यूट्रोजिना का शेयर कर चुकी हूँ, वो बेस्ट था। सबसे बेस्ट जिसका मुझे लगा है वो न्यूट्रोजिना का विजिबल क्लियर फेस वॉश है जो येलो कलर की पैकेजिंग में अवेलेबल है। अमेजिंग फेस वॉश है। जब भी मैं उसको अप्लाई करती हूँ फेस पे एक्नी जब होती है मैं उसको अप्लाई करती हूँ, वन वीक, विद इन अ वन वीक वो एक्नी मेरी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे न्यूट्रोजिना का फेस वॉश बहुत पसंद है तो मैंने उसी को माइंड में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स कुछ परचेज किए हैं न्यूट्रोजिना की। तो आज मैं इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, इनके प्राइस क्या है और इनको मैंने कहां से परचेज किया है वो सब इस वीडियो में मेंशन करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये है न्यूट्रोजिना की प्रोडक्ट। न्यूट्रोजिना की प्रोडक्ट मैंने परचेज की है। सबसे पहले मैंने परचेज किया है इसका आई बूस्ट क्रीम, हाइड्रो बूस्ट आई क्रीम है। इसके प्राइस क्या है, इसके प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और इसी के साथ हाइड्रो बूस्ट जो है न्यूट्रोजिना का, ये जो है हाइड्रो बूस्ट क्या है, हाइड्रो बूस्ट इसका है हाइड्रेटिंग लोशन है जिसमें SPF 25 इसमें ऐड किया गया है जो कि फेस को हाइड्रेट करेगा। पैकेजिंग और इसी के साथ ये भी बता देती हूँ, ये न्यूट्रोजिना का है हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम, हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम एंड हाइड्रो बूस्ट हाइड्रेटिंग लोशन, ये दोनों लाइक बहन भाई हैं, सही है। ये वाली आई क्रीम है। सबसे पहले इस आई क्रीम की मैं बात करूंगी, इसकी पैकेजिंग को ओपन करते हैं, इसके प्राइस क्या है। इसके प्राइस मैं यहाँ नीचे मेंशन कर रही हूँ। ब्लू कलर की इस पैकेजिंग में अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे एक टाइनी सी ट्यूब आपको मिल जाएगी, जिसकी टोटल क्वांटिटी है 15 ml इसकी टोटल क्वांटिटी है और इसको 6 मंथ के अंदर आपने इसको फिनिश करना है। इस तरीके की पैकेजिंग में शाइनी सी ऊपर से ब्लू कलर की पैकेजिंग है। ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है। तो इसका साथ इसका कैप दिया गया है, व्हाइट से इसका कैप है, छोटी सी ट्यूब है बिल्कुल, और 15 ml की क्वांटिटी है। ये जो है आई क्रीम है जो कि जेल क्रीम है और इसको तीन तरीकों से इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये वर्क करेगी नहीं तो ये तीन तरह से वर्क करेगी। और इसमें जो ऐड किया गया है हाइलुरोनिक जेल ऐड किया गया है। हाइलुरोनिक जेल मैंने डॉक्टर रुशैल की वीडियो मैंने शेयर की थी, इसमें हाइलुरोनिक एसिड के बारे में मैंने बात की थी, पूरी डिटेल में बात की थी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में, आप उसमें से देख सकते हो हाइलुरोनिक एसिड था तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हाइलुरोनिक जेल ऐड किया गया है जो कि आइस के लिए इसको ऐड किया गया है। तो सबसे पहले क्योंकि तीन तरह की से वर्क करेगा, जब इसको आप अप्लाई करोगे सबसे पहले अ शॉट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा आइस के अराउंड और अंडर आइस आपके हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा एंड अराउंड योर आइस इट विल प्रोवाइड हाइड्रेशन। सेकेंड जो है ये बूस्ट ऑफ फ्रेशनेस है दैट अवेकन्स टायर्ड आइज। जब हमारी आइज बिल्कुल थक थक सी जाती हैं तो उनको फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा जब आप ये क्रीम लगाओगे, ये क्लेम कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। कीप इन हाइड्रेशन फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक आपकी आंखों को बिल्कुल हाइड्रेट रखेगा और बिल्कुल फ्रेश लुकिंग आइज होंगी, बिल्कुल की थकी हुई आइज नहीं लगेंगी अगर आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। और इसको बिल्कुल कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, इसको आपने सूरज की रोशनी से लाइक दूर रखना है इस प्रोडक्ट को। तो इस तरीके की हाइड्रो बूस्ट ये प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली लाइक आई जेल क्रीम है, आई क्रीम के तौर पर आपने इसको यूज़ करना है। फेस वॉश कर लेना है, हाइड्रो फेस को वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, नाइट एज अ नाइट क्रीम के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो बट डे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आइज के अराउंड आपने अप्लाई करना है, मैं उसका भी तरीका बताऊंगी आगे वीडियो में किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। देन इसको आप बिफोर मेकअप भी इसको यूज़ कर सकते हो, बिफोर मेकअप बिल्कुल टाइट सी आंखें हुई भी होती हैं तो आप उस वक्त भी इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। इसका टेक्सचर इसको ओपन करते हैं, इसका टेक्सचर कैसा है, यहाँ से इस क्रीम को ओपन करेंगे एंड इस तरीके से एक छोटी सी ट्यूब है जिस तरह गम होती है वैसे ये ट्यूब है एंड जेल सा इसका, वाइट सा बिल्कुल लाइट सा इसका टेक्सचर है
और बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री ये जो प्रोडक्ट है फ्रेग्रेंस फ्री है और बिल्कुल लाइट सा उसका टेक्सचर है, जेल सा है और बहुत ही मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करी। इवन अगर आप हाथ पे भी अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल हाइड्रेशन फील होगी कि बिल्कुल फेस लाइक स्किन हाइड्रेट हो चुकी है। बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है इसको अप्लाई करने के बाद। मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपने अप्लाई करना है। ऐसा इसका रिजल्ट उस वक्त मुझे तो फील नहीं हुआ बट स्टिल मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, रिफ्रेशिंग सी फीलिंग खुद महसूस होती है। सेकेंड प्रोडक्ट है वो है हाइड्रो बूस्ट हाइड्रेशन लोशन। इनको मैंने ऑर्डर किया था vegas.pk से, इन दोनों को मैंने ऑर्डर किया था। और इसके प्राइस क्या है, इसके प्राइस मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको मैंने ऑर्डर किया था, वैसे तो मुझे ये ऑर्डर करना था और मेरी स्किन बिल्कुल डल है, बिल्कुल ड्राई स्किन है। समर्स में तो चल जाता है बट वेन इट कम्स टू विंटर बहुत ही बेस ख़राब हो जाती है। बट बिफोर अप्लाइंग मेकअप मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए थी जो एज अ मॉइस्चराइजर और एज अ हाइड्रेशन के तौर पर मेरे फेस पे अप्लाई हो, तो तभी मैंने इनको ऑर्डर करना था। मेन टास्क मेरा था इस प्रोडक्ट का बट मैंने इसको प्रोडक्ट को पहले परचेज कर लिया क्योंकि अवेलेबल नहीं थी vegas.pk पे। मैंने इसको परचेज कर लिया, ऑर्डर कर लिया लोशन। मैंने कहा चलो यार वो नहीं तो ये सही। तो ये इस तरीके की ट्यूब में अवेलेबल है, ब्लू कलर की इसकी शाइनिंग सी पैकेजिंग है, व्हाइट मैट का इसका कैप दिया गया है। इसकी टोटल क्वांटिटी 50 ml इसकी क्वांटिटी है। इसको अपने फेस पे अप्लाई करना होता है और ये लोशन है और ये क्रीम है, दोनों का फर्क कुछ भी नहीं है, वो लोशन है एंड देन क्रीम है, बट बातें दोनों की काम जो है ना वो दोनों के सेम है। तो गाइस आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने इस क्रीम को मॉर्निंग में अप्लाई करना है, फेस वॉश करने के बाद लाइक फेस पे अप्लाई करोगे बट इन अ सर्कुलर मोशन आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है। एंड एज द लास्ट स्टेप ऑफ योर रूटीन लाइक सोने से पहले आपने इसको अप्लाई करना है फेस पे, वही सर्कुलर मोशन में आपने इसको अप्लाई करना होता है और ये फेस को बिल्कुल हाइड्रेट कर देगी और जो सन डैमेज स्किन होती है उनको रेडियंट प्रोवाइड करेगी। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी ऐड किया गया है और इसको अपने सर्कुलर मोशन में फेस को पे इस लोशन को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो है हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम। इस तरीके की ब्लू कलर की पैकेजिंग में सेम ही अवेलेबल है और इसका जो जार है इसकी पैकेजिंग है बहुत अमेजिंग है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी है। लाइक कोरियन क्रीम्स की तरह इसकी पैकेजिंग है, ग्लास सी शाइनी सी ये है प्लास्टिक की बट इट सीम्स कि ये ग्लास की है और व्हाइट कलर का इसका जार यहाँ पे कैप दिया गया है। और इस तरीके की ये क्रीम है, इसको ओपन करते हैं, इस तरीके की क्रीम है और जेल है, जो क्रीम जेल है इसको मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। फ्रेग्रेंस इनमें इतनी नहीं डाली गई, लाइट सेंट जो इसमें ऐड किया है बिल्कुल हार्श वगैरह कोई सेंट नहीं है, लाइट से एक फीलिंग आती है। हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम है तो इसके बारे में मैं बात करती हूँ अब। इस क्रीम की टोटल क्वांटिटी के पहले इसके प्राइस की बात करते हैं, इसके प्राइस यहाँ नीचे मेंशन है। वैसे तो इसके ऊपर जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखे हैं वो 1800 इसके प्राइस लिखे हुए हैं, रिटेल प्राइस 1538 के हैं और टोटल जो इसके प्राइस हैं वो है 1800 इस प्रोडक्ट के प्राइस हैं। तो 50 ml इसकी क्वान्टिटी है और इसमें जो है ड्राई स्किन वालों के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए ये क्रीम है, जेल क्रीम है जो कि फ्रेग्रेंस फ्री है और बिल्कुल स्किन में स्किन को हाइड्रेट करेगी, स्किन को स्मूथ करेगी और स्किन को जो सरफेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी बना देती है ये क्रीम अप्लाई करने से। मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ पहले मैं ये बताऊँगी और मैंने इसको क्यों परचेज किया। एज यू गाइज नो, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पीछे वीडियो भी देख सकते हो पहले पुरानी, मैं आपको वीडियो में बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन सुपर ड्राई स्किन है तो विंटर्स में स्किन बिल्कुल डल हो जाती है। मेकअप करने से पहले आपको एक मॉइस्चराइजर, एक अच्छी मॉइस्चराइजर की आपको जेल क्रीम की जरूरत होती है जो कि आपके फेस को हाइड्रेट कर दे। तो हाइड्रेटिंग मास्क वगैरह अप्लाई कर लो, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है बट क्योंकि क्रीम अप्लाई करना वो बहुत ही इजी हो जाता है, आपने फेस पे अप्लाई किया एंड मेकअप स्टार्ट कर लिया। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं इस क्रीम को अप्लाई करती हूँ और मैंने पर्सनली इसको खुद अप्लाई किया, बहुत अच्छा इसका रिव्यू रहा है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये क्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए। इसके बाद जो बेस आप अप्लाई करते हो वो बेस बिल्कुल भी क्रैकी पैची बिल्कुल भी नहीं होती। इसको मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी लेती हूँ, जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी इसको फेस पे लिया, सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लिया, आई के अराउंड ये आई क्रीम में अप्लाई कर लेती हूँ। समटाइम मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ, समटाइम मैं ये लोशन लगा लेती हूँ, दोनों का वर्क मेरे लिए सेम ही है। ठीक, इसके बाद 2 से 3 मिनट का गैप देती हूँ, आईब्रोज डन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। जब क्रीम वगैरह लगाएं तो थोड़ा सा उसको टाइम दें बिल्कुल ताकि वो ड्राई हो जाए, एज अ सीरम के तौर पर लाइक हम पहले अप्लाई करते हैं, मुझे एज अ सीरम के तौर पर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये क्रीम। ठीक है, बहुत लाइक
बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी बट वैकस पे अवेलेबल नहीं थी. जैसे ही अवेलेबल थी मैंने जस्ट एक ही प्रोडक्ट इसको ऑर्डर कर लिया था, मुझे ये चाहिए थी. तो ये है हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए. अगर आपकी बेस बहुत ही ख़राब हो जाती है और आप मेकअप अप्लाई करते हो स्किन पैची सी हो जाती है, आप एज अ डेली रूटीन के भी तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो. फेस वॉश करने के बाद आपने फेस पे ये क्रीम अप्लाई कर लेनी है, मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करेगा और ये बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं देगा. जब आप कॉलेज वगैरह जाते हो ड्राइनेस होती है तो आप ये अप्लाई करोगे, थोड़ी देर बाद अगर दूसरी क्रीम्स होती हैं वो ब्लैक ब्लैक सा टोन प्रोवाइड करती हैं, बट ये क्रीम ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी. तो गाइज ये था थोड़ा सा लेंथी रिव्यू था न्यूट्रोजेना के तीन प्रोडक्ट्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी. मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ. अपना तो गाइस सबसे पहले मैंने एक क्रीम ली है, आई क्रीम ली है. इसकी छोटी सी क्वांटिटी लेनी है, जितना मटर का दाना होता है पीस का एक छोटा सा दाना होता है उतनी अमाउंट लेनी है. हाथ पे जिससे ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं दोनों फिंगर्स पे अप्लाई करना है. अप्लाई करते हुए इसको जो है वो आई एरिया के यहाँ पे अराउंड बोन होती है, इस बोन पे अप्लाई करते हुए ऊपर की तरफ मूव करना है. इस एरिया पे ब्लेंड करेंगे, बहुत क्लोज टू आई नियर टू आई आपने अप्लाई नहीं करना, आंखों के बिल्कुल करीब करीब अप्लाई नहीं करना. इस बोन एरिया पे अप्लाई करते हुए फिंगर जब आप रखोगे इसके ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से मूव करना है सर्कुलर मोशन में. एज सच इसका डिफरेंस मुझे इतना फील नहीं हुआ, बस ओके है, जस्ट रिफ्रेशिंग फील हो रहा है एंड दैट्स इट. कोई डिफरेंस इतना फील नहीं हुआ. और इसके बाद बारी आती है क्रीम की. लोशन और क्रीम दोनों का एप्लीकेशन सेम है. बिफोर अप्लाइंग मेकअप मैंने इसको छोटी सी क्वांटिटी लिया है. एज यू गाइज नो मेरी स्किन सुपर ड्राई है और बहुत ही हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं होती, तो मैंने इसको लेके हाथ पे रब करते हुए फेस पे अप्लाई कर लिया है. बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर इसने प्रोवाइड किया है. बेस वॉश ऑसम. जब मैंने बेस अप्लाई किया, फाउंडेशन अप्लाई किया, वो बिल्कुल क्रैकी और पैची नहीं हुआ. बहुत ही अमेजिंग सी बेस रेडी हुई है. तो इस तरीके से ये क्रीम है.